तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो ये मैच हो रहा है आज अंडर 17 बालक वर्ग में फाइनल मैच, जो कि खेला जा रहा है सिद्धखाल और रिखनीखाल के बीच में। अभी मैंने हाल फिलहाल में दो वीडियो अपलोड की थी सेमीफाइनल, दोनों सेमीफाइनल की, जिसमें फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ था सिद्धखाल वर्सेस करतिया का, तो उसमें सिद्धखाल विजयी रही। और सेकंड डाला था मैंने रिखनीखाल वर्सेस बड़खेत, जिसमें रिखनीखाल विजयी रही और रिखनीखाल ने 15-11 से जीता गेम और फाइनल में अपनी जगह बनाई। और ये फाइनल मैच चल रहा है, तो देखिए इस मैच की ओर ले चलता हूँ आपको। तो बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ, तो 2-3 पॉइंट चल रहे शायद, तो बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ। देखिए सिद्धखाल के शॉट और ये फाउल कर बैठे धोनी, तो एक पॉइंट मिला सिद्धखाल को। बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ देखिए, और ये 3 सेट में होगा ये गेम भी। तो इसमें जो 2 सेट जीतेगा, या पहला या दूसरा तीसरा जो भी जीते, तो वो टीम विजयी रहेगी। और हर साल मतलब लगभग मुझे 18 साल हो गए, और जिसमें से मैंने 10 साल तक तो मतलब ये मैच देखा ही है। तो हमेशा रिखनीखाल और सिद्धखाल भिड़ती रही है फाइनल मैच में, और फाइनल मैच हमेशा टक्कर का रहता है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि रिखनीखाल की टीम तो मेरी अपनी टीम है, क्योंकि मैं भी रिखनीखाल स्कूल में ही पढ़ा करता था। तो मेरा एक वही है कि हाँ, हम रिखनीखाल वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अपनी टीम फाइनल में पहुँचती है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। तो देखिए पॉइंट मिला इस बार सिद्धखाल को, तो अच्छा गेम चलता हुआ देखिए। बहुत शानदार खेल का जो है प्रदर्शन किया गया था, और ये सर्विस मारी बहुत ही अच्छी सर्विस फेंकते हुए, ड्रॉप डाला पर ड्रॉप ले लिया, और ये बहुत ही अच्छा शॉट सिद्धखाल द्वारा, बहुत ही अच्छा शॉट। मैं जब भी ये खेल होते हैं तो सिद्धखाल और रिखनीखाल के शॉटर बड़े अच्छे होते हैं यार, बहुत ही अच्छे बॉल मारते हैं। पर इस बार थोड़ा वैसा लग रहा है कि कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार किसी में शॉटर नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, जैसे कि रिखनीखाल में हेमंत हुआ करता था और ध्रुव जोशी हुआ करता था, ऋषभ जो हमारा बूस्टर हुआ करता था, अभिषेक, अखिलेश, मतलब बहुत सारे होते थे जो मेरे क्लास में पढ़े आधे, तो मुझे पता है कि कैसा गेम हुआ करता था उससे पहले। आशीष भाई, मतलब बहुत अच्छी टीम थी रिखनीखाल की, इस बार भी अच्छी है, पर थोड़ा शॉटर में कमी खल रही है। मतलब जो शॉटर रिखनीखाल में हुआ करते थे वो इस बार है नहीं, उतना अच्छा लग नहीं रहा। और अपोजिट साइड में जैसे कि सिद्धखाल है, तो वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे शॉटर रहते थे, जैसे गोलू हो गया, नरेश भाई हो गए, मतलब बहुत सारे थे वहाँ भी शॉटर, तो बहुत ही अच्छा लगता था गेम खेलते टाइम। तो इस बार देखते हैं कौन बाजी मारता है, किसका पड़ला भारी पड़ता है। ज़्यादा बार तो रिखनीखाल का ही पड़ला भारी पड़ा है सिद्धखाल पे, लगभग 6 या 7 बार, तो मतलब जब से मैंने देखा तो 6 या 7 बार तो रिखनीखाल जीती, और एक बार या 2 बार शायद सिद्धखाल जीती फाइनल मैच वॉलीबॉल में। तो देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है और कौन अपने स्कूल का नाम बढ़ाता है। तो मैं तो पूरा सपोर्ट रिखनीखाल को ही करूँगा, क्योंकि मेरी होम टीम है। पर सिद्धखाल भी अच्छी है, क्योंकि वो भी पास में ही, मतलब अपनी टीम है, इन लड़कों को भी जानता हूँ मैं। और इसी के साथ बोलते बोलते ही एक सेट पूरा हो गया और रिखनीखाल जीत गया, तो पहला सेट रिखनीखाल ने जीत लिया है। तो अब देखते हैं दूसरे सेट में कौन जीतता है, रिखनीखाल या सिद्धखाल। बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ देखिए, और हमेशा यहाँ पे नारेबाजी तो चलती है, चाहे रिखनीखाल का मैच हो चाहे किसी का मैच हो, पर रिखनीखाल वाले नारेबाजी जरूर करेंगे। तो बहुत ही अच्छे नारे चलते हैं यहाँ, बिल्कुल अपने खिलाड़ियों को जोश देने के लिए बहुत ही अच्छे नारे लगाते हैं लड़के यहाँ पर, और इनसे उनका मनोबल और उत्साह बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब
जितना उनका गेम होगा उसका दुगना गेम दिखाते हो ऐसे नारेबाजी सुन के, तो बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ। और अब देखते हैं कि कौन जीतता है। बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए इस बार भी, मतलब ठीक है प्लेयर पर, देखते हैं कौन जीतता है। तो बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ देखिए, सर्विस सितखाल की ओर, तो ये सर्विस वे की, बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ दिखे। और ये बॉल उठाई और ये गोपी ने शॉट मारी पर इस बार आउट मार बैठे। फिर से एक और सर्विस, फिर से बॉल उठी आयुष के लिए, आयुष ने बॉल मारी पीछे, बहुत ही अच्छा शॉट। फिर से एक और बॉल थर्ड में, फिर से गोपी के लिए बॉल उठी और ये बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही उम्दा। फिर से एक और बॉल उठेगी आयुष के लिए, नहीं पीछे उठी और ये बॉल जाके गिरी आउट पे। और ये हमारे सुरक्षाकर्मी, इस बार होम गार्डों को भी बुलाया गया था। मतलब पहले जब मैं हुआ करता था स्कूल में तो उस बार प्रशासन की मांग नहीं हुआ करती थी, मतलब पुलिस की कोई मांग नहीं थी कि इन्हें बुलाना है सिक्योरिटी के लिए, पर इस बार पता नहीं क्यों बुलाया। पर इस बार देखते हैं क्या होगा। फॉल है कह रहे हैं, तो फॉल मिला और पॉइंट मिला रिकनी खाल को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग होती हुई। फिर से सर्विस देते हुए और ये बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, चेक कर सकते थे पर चेक को बिल्कुल फाड़ के निकली ये बॉल। बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ देखिए रिकनी खाल और सितखाल के बीच में। जब जब ये टीमें भिड़ी है तब तक बहुत ही अच्छा मैच चला है। तो बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ देखिए, बहुत ही शानदार मैच। और इस ब्लॉक स्तरीय गेम शो का ये अंतिम मैच भी है, तो बहुत ही मजा आ रहा है इसे देखने में। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये फिर से बॉल उठी मयंक के लिए, मयंक ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा, फिर से एक और पॉइंट मिला रिकनी काल को। ये सर्विस फेंकते हुए गोपी, बहुत ही अच्छा गेम। और ये राइट बॉल, पॉइंट मिला सितखाल को। बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ देखिए, फिर से सर्विस सितखाल की। अरे बहुत ही अच्छा पास मयंक के लिए, बॉल उठी है, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या किया फिर? तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, अब मुझे पता है, इतना तो बोल ही दिया मैंने, आप कर ही दोगे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। तो आप तक जल्दी पहुँचने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो दबा ही देंगे आप, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना इन बच्चों का गेम आपको कैसा लगा। अंडर 17 के बालक हैं ये, तो बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ। फिर से पॉइंट मिला रिकनी खाल को। और ये सर्विस फेंकते हुए 3 नंबर के खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी सर्विस और बहुत ही अच्छा शॉट। वो तालमेल की गड़बड़ी होती हुई देखिए, तालमेल अच्छे से नहीं बैठा लड़कों का। और देखते हैं अब कौन जीतता है इस सेट को। अगर इस सेट को रिकनी खाल जीतती है तो रिकनी खाल फाइनल की ट्रॉफी उठा लेगा, और अगर ये सेट हारती है रिकनी खाल तो तीसरे सेट में जाना पड़ेगा, और तीसरे सेट में जो भी टीम जीतेगी वो टीम विजयी रहेगी और दूसरी टीम रनर अप। तो देखते हैं इस सेट को कौन जीतता है। अभी तो रिकनी खाल ही आगे चल रहा है, तो देखते हैं लास्ट में अंत में कौन जीतता है, इसका तो पता अंतिम क्षण में पता चलेगा। तो तब तक वीडियो को स्किप मत करना आप, क्योंकि बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है, अगर आप स्किप कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा गेम देखने में। देखिए बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए, अरे पार फेंक दी इस बार धोनी ने, बहुत ही अच्छा डिफेंस। और पॉइंट मिला रिकनी खाल को, शायद फॉल हुआ इनका,
तो बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ ये मयंक अब सर्विस फेंकेंगे, बहुत ही अच्छी सर्विस पर ज़्यादा ही जान लगा दी शायद इन्होंने, तो आउट चले गई बॉल। अब फिर से सर्विस सिदखाल की, बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ देखिए, बहुत ही अच्छा शॉट गोपी द्वारा, बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत ही बढ़िया डिफेंस, कोई नहीं बॉल पा नहीं पर इनके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया, तो बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है देखिए। रिकनी खाल का डिफेंस बहुत ही तगड़ा है, बॉल नहीं गिरने दे रहे हैं, फिर से पॉइंट मिला रिकनी खाल को। अब सर्विस पे कहेंगे नट्टू, तो बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ, मैच भी अब शायद रिकनी खाल की ओर ज़्यादा झुक रहा है क्योंकि रिकनी खाल के पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब बराबरी का गेम चल रहा है, फिर भी सिदखाल जीतती है या नहीं देखिए कमेंट में बताएं कौन जीतेगा। ये ड्रॉप डालनी चाहिए, बहुत ही अच्छी ड्रॉप, और ये फिर से तालमेल की गड़बड़ी पर इस बार पार कर दी बॉल, बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ, और ये जाल में फंसा बैठे, और इसी के साथ रिकनी खाल ने फाइनल मैच जीत लिया है, तो इसी की खुशी में एक लाइक तो बनता है, और आज मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, अगले कंटेंट के साथ, तब तक बाय।